आप अगर किसी भी कंट्री में हो तो आपको उस कंट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए टू प्रॉपरली इंटरेक्ट विद पीपल. उसी तरह अगर आप कोडिंग करते हो तो आपको कोडिंग लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए, जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस. बट 3D प्रिंटिंग में जी कोड्स आना कंपलसरी नहीं है. आप बिना जी कोड्स जाने भी प्रिंट ऑब्जेक्ट स्लाइसर में स्लाइस कर सकते हो और प्रिंट स्टार्ट कर सकते हो. बट इसका ये मतलब नहीं है कि जी कोड्स जानने का कोई यूज़ ही नहीं है. तो आज हम 3D प्रिंटिंग जी कोड्स के बारे में जानेंगे. सो वेलकम टू RE3DEFINE. अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक 3D प्रिंटिंग रिलेटेड चैनल है. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें. सो लेट्स बिगिन. जी कोड्स बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर एडेड मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं. ये कोड्स मोटर को किस डायरेक्शन में और किस स्पीड से मूव करना है ये बताते हैं. इन मोटर से टूल 3D वर्क एरिया में मूव होता है और मशीनिंग करता है. ये मशीन लैंग्वेज 1950s में MIT में डेवलप की गई थी. ओवर अ टाइम इस लैंग्वेज को परफेक्ट किया गया और CNC मशीन के लिए ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई. ये लैंग्वेज FDM 3D प्रिंटर्स में भी यूज़ की गई, क्योंकि CNC मशीन की तरह FDM में भी 3 डायमेंशन होते हैं और वो प्रिंटर उस 3 डायमेंशन में वर्क करते हैं. यस, अभी के सिचुएशन में 3D प्रिंटिंग जी कोड जानना ज़रूरी नहीं है टू गेट इन टू 3D प्रिंटिंग, क्योंकि आजकल इतने सारे स्लाइसर सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो सब कुछ प्रिपेयर करके दे देता है. बट जी कोड जानने से आपको 3D प्रिंटिंग की डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ये आपको ट्रबल शूटिंग और प्रिंट को कंट्रोल या प्रिंट प्रोसेस कंट्रोल करने या स्पेशली मॉडिफाई करने में हेल्प कर सकती है. ये रेप्रैप या मार्लिन जैसे फर्मवेयर के लिए एप्लीकेबल है. हम इस वीडियो में बेसिक जी कोड सीखेंगे और ये देखेंगे कि जी कोड्स हम मैनुअली 3D प्रिंटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. जी कोड्स को समझने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3D प्रिंटिंग होनी चाहिए कि FDM प्रिंटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं. इसके अलावा कोई भी प्री रिक्विजिट की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर है तो भी ये वीडियो आपको जी कोड्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगा. माना कि जी कोड्स के नेम में सिर्फ जी आता है, बट एक्चुअली जी कोड्स में दो टाइप के कोड्स होते हैं, जी कोड एंड एम कोड. जनरल कोड्स एंड मिसलेनियस कोड्स. जी कोड्स G01, G00 ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जबकि एम कोड्स M403, M500 ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं. सो पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं. सिंटैक्स मतलब कमांड का स्ट्रक्चर. पहले आता है जी या एम, उसके बाद उसका कोड, मतलब ये कौन सा जी या कौन सा एम कोड है, और फिर आता है कमांड पैरामीटर्स जो कोड्स को डिटेल में डिफाइन करते हैं, जैसे टूल का फाइनल पोजीशन, स्पीड एक्सेट्रा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ आप स्क्रीन पर G01 X25 Y25 F3000 देख सकते हैं. यहाँ पे G01 लीनियर मोशन के लिए कोड है. X एंड Y25 उसका फाइनल पोजीशन डिसाइड करता है और F3000 उसका फीड रेट या स्पीड है. यहाँ उसका यूनिट होता है 3000 मिलीमीटर पर मिनट. सो चलो एक जी कोड फाइल देखते हैं और उसके सब प्रेजेंट जी कोड्स को समझते हैं. यहाँ मैंने एक 3D बेंची क्यूरा स्लाइसर में स्लाइस की है और उसका जी कोड जनरेट किया है. सो आप किसी भी जी कोड को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि उसमें कुछ कमेंट्स भी होते हैं. हर कमेंट्स के पहले एक सेमीकोलन होता है और ये जो सेमीकोलन होता है, प्रिंटर उस सेमीकोलन के बाद के डेटा को रीड नहीं करती. पहले आपको जी कोड में बेसिक प्रिंटिंग प्रोफाइल दिखेगी. ये सब कमेंट्स है और रेफरेंस के लिए होता है. इसमें आपको स्लाइसर की प्रिंट सेटिंग्स दिख जाता है और कुछ प्रिंट पैरामीटर्स भी पता चल जाता है. सो यहाँ पे हमारा पहला जी कोड है M140 जो बेड टेम्परेचर सेट करता है. और इसके आगे जो S50 है, यहाँ टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो इसकी वैल्यू है. सो M140 S50 से बेड टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया जाएगा. उसके बाद जो जी कोड है, उसके बाद जो एम कोड है वो है M105. ये बेसिकली टेम्परेचर को रिपोर्ट करता है. मतलब आप जो प्रिंटर की स्क्रीन पर जो टेम्परेचर दिख सकते हो वो इससे दिख सकते हो कि उसका टेम्परेचर, कि बेड का करंट टेम्परेचर क्या है.
उसके बाद आता है M190। ये M190 प्रिंटर को बेड टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आने तक वेट करने के लिए कहता है, और जब बेड का टेम्परेचर उस वैल्यू को पहुंचेगा तो ही प्रिंटर उसके बाद के कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा। फिर आता है M104 जो हॉट एंड के टेम्परेचर को सेट करता है, और यहाँ पे M104S200 है, मतलब S200 हॉट एंड की वैल्यू है, हॉट एंड के टेम्परेचर की वैल्यू है। और M109 प्रिंटर को हॉट एंड की वैल्यू आने तक वेट करने के लिए कहता है, और उसी के बाद अगले कमांड्स एग्जीक्यूट करेगा। फिर आता है M82 कोड जो एब्सोल्यूट एक्सट्रूजन मोड के लिए होता है, और इसी तरह M83 भी होता है विच स्टैंड फॉर रिलेटिव एक्सट्रूजन। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट में सब वैल्यूज जीरो से सेट होते हैं, मतलब स्टार्टिंग या बिगिनिंग से होते हैं, जबकि रिलेटिव रेफरेंस में लास्ट गिवन पॉइंट से होते हैं। फॉर एग्जांपल, एब्सोल्यूट पोजीशन में अगर आप 3mm का कमांड दोगे तो 3mm एक्सट्रूड होगा, और उसके बाद जब आप 2mm का कमांड दोगे तो 1mm रिट्रैक्ट होगा, मतलब एब्सोल्यूट जीरो से टोटल 2mm ही एक्सट्रूड हुआ है। जबकि रिलेटिव पोजिशनिंग में अगर आप 3mm का कमांड दोगे तो 3mm एक्सट्रूड होगा, और उसके बाद अगर 2mm का कमांड दोगे तो और 2mm एक्सट्रूड होगा, मतलब टोटल 5mm एक्सट्रूड होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि एब्सोल्यूट एक पर्टिकुलर पॉइंट का रेफरेंस होता है, और रिलेटिव रेफरेंस उसके लास्ट पॉइंट का रेफरेंस होता है। कुछ स्लाइसर्स रिलेटिव पोजिशनिंग यूज़ करते हैं, और कुछ एब्सोल्यूट क्यूरा एब्सोल्यूट यूज़ करता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोड। फिर आता है G92। ये कोड एक्सट्रूडर वैल्यू को रीसेट करता है टू जीरो। आप देख सकते हो इट इज़ G92, और उसके आगे है E की वैल्यू है जीरो। और उसके बाद आता है G28, मतलब होमिंग। ये फंक्शन हर एक्सिस को होम करता है, मतलब हर एक्सिस की वैल्यू जीरो पे सेट कर देता है। एक्चुअल प्रिंटिंग स्टार्ट होने से पहले नॉजल को प्राइम करना इम्पोर्टेंट होता है, टू मेक श्योर कि जब प्रिंटिंग स्टार्ट हो तो प्रॉपर एक्सट्रूजन हो और एम्प्टी मूव्स ना हो। इसके लिए नॉजल को थोड़ा ऊपर उठाया जाता है ताकि बेड को ये स्क्रैच ना करे। यहाँ पे पहले नॉजल को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है ताकि ये बेड को स्क्रैच ना करे। यहाँ पे आप इसका कोड देख सकते हो, G1, G2 और F है 3000, मतलब G1 स्टैंड फॉर लीनियर मूव, Z उसका फाइनल पोजीशन है, और F 3000 उसका फीड रेट या स्पीड है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में फिलामेंट को एक्सट्रूड किया जा रहा है, और फिर से वो रिवर्स आ रहा है, और इससे नॉजल प्राइम हो जाता है। उसके बाद आता है G92 जो फिर से एक्सट्रूडर की वैल्यू ज़ीरो सेट करता है, कि जैसे कि आपको पता है कि क्यूरा एब्सोल्यूट पोजिशनिंग यूज़ करता है, तो कोई भी प्रिंट स्टार्ट करने से पहले उसका एक्सट्रूडर की वैल्यू ज़ीरो सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वंस दी नॉजल इज़ प्राइम, उसके बाद एक्चुअल प्रिंटिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद एक कोड आप देख सकते हो विच इज़ M107। ये कमांड बेसिकली फ़ैन को ऑफ करता है, जो प्रिंटर में जो कूलिंग फ़ैन होता है, जो फिलामेंट एक्सट्रूड होने के बाद फिलामेंट को कूल करता है, उसे ऑफ़ किया जाता है। क्योंकि जब हम PLA को प्रिंट करते हैं तो फॉर बेटर बेड एडिशन फ़ैन को ऑफ करना इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे PLA प्रॉपरली बेड पे स्टिक हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगले लेयर में M106 से फ़ैन को फिर से स्टार्ट किया जाता है। M106 ये एम कोड फ़ैन का स्पीड सेट करता है, जहाँ पे S के आगे जो वैल्यू होती है वो फ़ैन का स्पीड होती है। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट G कोड। यहाँ पे आप G0 देख सकते हो, और इसके नीचे G1। आपको क्वेश्चन पड़ा होगा कि कहीं पे G0 यूज़ करते हैं और कहाँ पे G1। G0 और G1 दोनों के सामने XYZ की वैल्यूज़ होती है। G1 एक कंट्रोल मोशन के लिए होता है, जहाँ नॉजल का फीड रेट या स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, और एक कंट्रोल्ड वे में उसे मूव किया जाता है। जबकि G0 में मशीन का गोल ये होता है कि नॉजल को फास्टेस्ट पॉसिबल वे में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आ जाए।
G0 मोस्टली ट्रैवल मूव्स के लिए यूज किया जाता है, जबकि G1 एक्सट्रूजन मूव्स के लिए यूज किया जाता है. ओके, सो इसके बाद प्रिंट अपना अपने प्रिंट की स्कर्ट बनाएगा. स्कर्ट बेसिकली जो हमारा प्रिंट वॉल्यूम है, मतलब जिस एरिया में हमारा एक्चुअल प्रिंट होने वाला है उस एरिया को डिफाइन करता है. और स्कर्ट नॉजल को प्राइम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. सो आप किसी भी प्रिंट को क्लोजली देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी, अगर आप कोई सर्कल देखते हो वो एक प्रॉपर सर्कल नहीं होता, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. क्योंकि कोई भी प्रिंटर एक सर्कुलर मोशन में प्रिंट नहीं करता, वो बेसिकली स्मॉल सेट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को एक सर्कल वे में उसको डिफाइन करता है. सो एक्चुअल प्रिंटिंग में काफ़ी पैरामीटर्स होता है डिपेंडिंग ऑन क्या प्रिंट हो रहा है. इट मे बी इनफिल, इट मे बी आउटर वॉल्स, सबके लिए फीड रेट डिफरेंट हो सकता है और उस हिसाब से जी कोड होता है. सो जब फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाती है तो नॉजल जेड एक्सिस में लेयर हाइट के हिसाब से ऊपर मूव होता है विथ G1 कमांड. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे लेयर चेंज होती है और अगली लेयर स्टार्ट हो जाती है. तो इसी तरीके से पूरा प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाता है, पूरी बॉडी प्रिंट होके कंप्लीट हो जाती है. उसके बाद स्लाइसर में प्रेजेंट प्रिंटर का एंड जी कोड चालू हो जाता है. अभी हर प्रिंटर के एन जी कोड्स डिफरेंट होते हैं, और इवन आप भी एन जी कोड को हर एक स्लाइसर में सेट कर सकते हो आपके हिसाब से. सो ये था एक वीडियो फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जी कोड. आई होप आपको जी कोड की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि वो कैसे काम करते हैं और किसी भी प्रिंट में बेसिक जी कोड्स कौन से यूज़ किए जाते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आई होप यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियोज़ मिस ना करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप प्रिंटिंग.